अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था। मेरा भतीजा अखिलेश यादव ही बनेगा मुख्यमंत्री। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के मुंह से यह बयान क्या निकला कि सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान आई तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राहत की सांस ली। लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव के इन बदले हुए सुरों से बसपा अध्यक्ष मायावती के माथे पर जहां शिकन आ गई, वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बौहें शिवपाल यादव पर टेढ़ी हो गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव के सुर बीजेपी के लिए बदले हुए नजर आ रहे हैं। जहां योगी सरकार के हर फैसले की तारीफ करते शिवपाल यादव थकते नहीं थे, यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित विधानमंडल के विशेष सत्र में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा पहुंचकर सबको चौंका दिया था, जबकि बाकी दलों के विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। और बैठक के बाद सीएम योगी की तारीफों का बड़ा मजबूत पुल बांधा था शिवपाल यादव ने। साथ ही सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की कड़ी भी बने शिवपाल यादव। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उस समय प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। बात क्या चुका, मुख्यमंत्री ईमानदार भी है, मेहनती भी है, जन भावनाओं का कर्तव्य भी करते हैं लोगों की, लेकिन जो नौकरशाही है, प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस से लेकर के, वो जन भावनाओं की कदर नहीं करते। यहाँ तक कि जबकि विधायकों की बात भी नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, शिवपाल यादव सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते सपा से अलग होकर प्रसपा बनाने वाले शिवपाल यादव 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर सीएम योगी को हटाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। दरअसल 2016 में जब शिवपाल यादव अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर सपा परिवार से अलग हुए तो बीजेपी ने शिवपाल यादव को मायावती का सरकारी बंगला देकर उनके अरमानों को पंख लगा दिया। और बीजेपी के इस गिफ्ट के चलते ही प्रसपा को बीजेपी की बी पार्टी भी कहा जाने लगा। लेकिन सियासत में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, और शायद यही कारण है जिसके चलते बीजेपी के नजदीक पहुंचे शिवपाल यादव अब बीजेपी से अपना नजरिया अलग बता रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां सीओ लखनऊ बीनू सिंह को धमकाने वाली योगी कैबिनेट के मंत्री स्वाति सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब किया, वहीं शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि मंत्रियों को अधिकारियों को समझाने के लिए कभी कभी आवाज ऊंची करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में किसानों की हालत को देखते हुए योगी सरकार पर सवाल भी शिवपाल यादव ने खड़े कर दिया। देखिए, जहां पर मंत्री की बात आ जाती है या जनप्रतिनिधि की बात आ जाती है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि और फिर जनप्रतिनिधि से प्रोटोकॉल में ऊपर है मंत्री, है मंत्री लोकतंत्र में, तो फिर अधिकारियों को तो मंत्री तो हल्का ही सकता है, अपनी बात रख सकता है, मंत्री डांट भी सकता है। अगर अधिकारियों को मंत्री फिर डांट नहीं सकता है तो फिर कौन डांटेगा। योगी आदित्यनाथ के हर फैसले में योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े रहने वाले शिवपाल यादव के जिस तरह से सुर बदले हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने अपने भतीजे को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने की बात कही और 2022 में खुद को जिस तरह से सीएम की रेस से बाहर रखा, उससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बीजेपी से मोह भंग हो गया। और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सपा में वापसी की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री तो मेरा भतीजा अखिलेश यादव ही बनेगा। देखिए, हमारा प्रयास है, आप भतीजे समझे, समझ लेना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था, हैं? तो हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, इसलिए प्राथमिकता है। हमने बहुत लंबे समय तक नेताजी के साथ से लेकर के समाजवादी पार्टी में काम किया है,
हमारी विचारधारा भी है समाजवादी, हैं, हमारी विचारधारा उस समाज मूल जो भी विचारधारा है उसमें हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चल रही है। तो अगर सपा इनवाइट करेगी तो आप गठबंधन कर सकते हैं? गठबंधन पूरी हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी को, और फिर अगर नहीं होता है तो जो हमें सम्मान देगा उसके साथ प्रयास करेंगे। शिवपाल यादव के इस बयान से शिवपाल यादव के हालात साफ पता चलते हैं। शिवपाल यादव को भी यह एहसास हो गया है कि वो अयोध्या के मसले पर सपा को साथ लेने के लिए शिवपाल यादव सिर्फ बीजेपी के लिए एक मोहरा थे, और शिवपाल यादव के दाग अपने सर लेने के लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं है। और लोकसभा चुनाव के नतीजों से प्रसपा को पता चल गया है कि प्रसपा फिलहाल कितने पानी में है, और ऐसे में उसके पास घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव अब शिवपाल यादव की सलाह को कितनी गंभीरता से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले उपचुनाव के दौरान भी शिवपाल यादव की सपा में वापसी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। खुद अखिलेश यादव ने सपा में शिवपाल यादव की वापसी के संकेत दिए थे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं और मामला जहां था वहीं रह गया। लेकिन शिवपाल यादव के सपा से अलग होने का खामियाजा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवपाल यादव ने ही भुगता है, बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से सपा को भी पता चल गया है कि परिवार का साथ आना कितना जरूरी है। और शिवपाल यादव के लिए सपा के साथ जाना मजबूरी है, क्योंकि अगर सपा से अलग होने के बाद शिवपाल यादव घर के तो रहे नहीं, और बीजेपी के लिए शिवपाल यादव के बदले हुए सुर ये बताने के लिए काफी हैं कि अब शिवपाल यादव घाट के भी नहीं रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।